अगर आपको लगता है कि आपके एजी पल्ले नहीं पड़ रही, तो आपके स्क्रीन पे एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको टच कीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मक्का की खेती के बारे में बताएंगे। दोस्तों, मक्के की खेती स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले उसकी कॉमन चीज़ों को जानते हैं। तो चलिए, सबसे इसमें क्या क्या कॉमन हो जाएगा, प्रोडक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या प्रोडक्शन? प्रोडक्शन जो होता है, अगर वर्ल्ड की बात की जाएगी तो यूएसए एक देश है जिसको कहा गया अमेरिका, यूएसए अमेरिका को कहा गया है। फिर उसके बाद आपका आता है प्रोडक्शन में, इंडिया में सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन का। आपको कोई और बताए तो उसको मत मानिएगा, आपको यही ठीक। अब आपके इंडिया की बात की जाए, इंडिया इंडिया में एमपी यानी कि मध्य प्रदेश जो हमारा है, मध्य प्रदेश में सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन किया जाता है मक्के की खेती का, मक्के का ठीक। अब चलते हैं इसका, इसको मक्का जो होता है, मक्के को सीरियल क्रॉप बोलते हैं। क्या क्रॉप? सीरियल क्रॉप की रानी यानी कि क्वीन ऑफ, क्वीन ऑफ सीरियल क्रॉप यानी कि सीरियल क्रॉप की जो रानी बोलते हैं जिसको, मक्के की। अब मक्का किस कलर का आता है? मक्का जो आता है येलो। अब येलो किस कलर आता है? तो इसका येलो आता है, आपको यहाँ बता दें, जिया जिया जैंथिन। किसके कारण? जिया जैंथिन, आपका दिख रहा होगा स्क्रीन पर, जिया जैंथिन जो है इसी के कारण है मक्का के येलो कलर का दिखाई देता है ठीक। अब बॉटिकल नेम यानी बियन आपका हो जाएगा जिया, जिया मेज इसका क्या हो जाएगा बॉटिकल नेम? टू एन हो जाएगा, टू एन 20 हो जाएगा। फैमिली क्या हो जाएगा आपका? फैमिली जितने भी सीरियल क्रॉप है उसमें से हमारा पोएसी जो मोटे अनाज वाला है, पोएसी ग्रेमनी, उसका ओल्ड नेम ग्रेमनी है ठीक। पोएसी जिसका, पोएसी एंड जिसका ओल्ड नेम क्या है? ग्रेमनी, ग्रेमनी ठीक। अब ओपी, ओपी यानी ओरिजिन प्लेस, ओरिजिन प्लेस जो मक्का का ओरिजिन प्लेस है वो मैक्सिको है। क्या है? मैक्सिको, मैक्सिको। लेकिन अगर ऑप्शन में आपके साउथ अफ्रीका दिया रहेगा, मैक्सिको नहीं रहेगा, तो आपका क्या होगा? साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। अब दोनों रहेगा तो मैक्सिको आप मानेंगे ठीक। अब प्रोटीन की बात की जाए, प्रोटीन जो है हमारा 10% प्रोटीन पाया जाता है मक्का में। इम्पोर्टेंट प्रोटीन 10%, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? जिन नामक प्रोटीन। कौन सा? जिन नामक प्रोटीन पाया जाता है ठीक। अब आगे चलते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट 67 यानी 67+70% यानी कि 67 से 70% के अबाउट एबव आपके कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है ठीक। अब बात करते हैं इसका, जो मक्के की टाइप्स, कितने प्रकार के मक्के होते हैं? तो देखिए, टाइप्स ऑफ मक्का, टाइप्स ऑफ मेज ठीक। मेज जो हमारा आता है कितने प्रकार का होता है? 7 प्रकार का होता है हमारा मक्का का, जो होता है हमारा 7 प्रकार से होते हैं। फ्लिंट कॉर्न, डेंट कॉर्न, पॉप पॉट कॉर्न, सॉफ्ट एनालिसिस जो होता है कॉर्न, फिर स्वीट कॉर्न, विक्सी कॉर्न ठीक। आपका हो जाएगा, आप देखिए फ्लिंट कॉर्न का वैज्ञानिक के हम दे दें जिया मेज इंडुराटा। फिर उसके बाद आता है क्या, डेंट कॉर्न का हो जाएगा जिया मेज आइडेंट आइडेंटा। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका क्या, पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न को हो जाएगा जिया में वर्टा ठीक। अब आपका हो जाएगा पॉड, पॉड को हो जाएगा जिया में फ्यूनिकेम्स ठीक। अब आप जाएगा सॉफ्ट, सॉफ्ट को हो जाएगा जिया में एनालिसिस। यहाँ पर आपका पूरे स्क्रीन पर देख दिए गए हैं ठीक। अब स्वीट कॉर्न को हो जाएगा जिया में सेकेराटा ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो फ्लिंट कॉर्न है, यही आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, यही इंपॉर्टेंट है ठीक। क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि इंडिया में इसकी ही क्या होता है, इसी की बुराई बुआई की जाती है, जो ग्रो होता है इंडिया में फ्लिंट कॉर्न ठीक। अब डेंट कॉर्न जो होता है इसका कहाँ पे होता है? यूएसए में होता है ठीक। अब जो पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न जो होता है, पॉपकॉर्न जो हमारे जैसे कोई हम मूवी भी देखने जाते हैं मॉल में, तो वहाँ पे पॉपकॉर्न जो बनता है सब इन्हीं मक्का का बनता है ठीक। अब आ जाएगा आपका पॉटकॉर्न, इसका जो होता है सॉफ्ट कर्न, सॉफ्ट कर्न इसको फ्लेवर बोलते हैं, फ्लेवर यानी कि इसका प्रयोग जो ए है इसका कोई यूज ही नहीं। क्या इसका कोई, इन सातों में सबसे देखिए एक ऐसा है मक्का जिसका कोई यूज ही नहीं होता है। यहाँ पे जो सॉफ्ट एनालिसिस हो जाएगा इसका,
इसको यूज करते हैं फ्लेवर के रूप में। ठीक, अब स्वीट कॉर्न नाम से पता चलता है क्या मक्का का होता है, खाने के लिए जो मक्का का मिठास होता है। ठीक, अब बिक्सी कॉर्न, बिक्सी मीन्स आपको बिक्सी कॉर्न यानी इसका गोंद के रूप में, किसके रूप में, गोंद के रूप में, गोंद बनाने के लिए। ठीक, इसका क्या होता है मीठा। ठीक, अब इंडिया यूएसए यही दोनों इंपॉर्टेंट है, एक ए। ठीक, और सातों का वैज्ञानिक नाम जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मक्का में एक और इम्पोर्टेंट बात जो हो जाएगी, मक्का हमारा सी फूड प्लांट है। कौन सा सी फूड प्लांट आपका हो जाएगा, सी फूड प्लांट, सी फूड प्लांट। और क्या हो जाएगा, नान टीलर, क्या नान टीलर, यानी कि इसमें कोई कल्लिका नहीं होता है। टीलर में तो होता है पुष्प कल्लिका जो होता है, नान टीलर यानी जैसे गेहूं गेहूं का धान हो गया उसमें कल्लिका पाए जाते हैं, उसी तरह मक्का में हमारा कोई कल्लिका नहीं होता, केवल सिंगल होता है। ठीक है, अब आपको आया डे न्यूट्रल, यानी कि डे न्यूट्रल, डे न्यूट्रल यानी कि इसका कोई दिन या रात का कोई प्रकाश के इस पर कोई रोल ही नहीं होता, इन कोई रोल नहीं होता है। ठीक, अब बात करते हैं, चलिए इसका मोनोसियस जो होता है हमारा, मोनोसियस होता है मक्का, क्या होता है मोनोसियस, मोनोसियस में हो जाएगा आपका, जैसे हमारा मोनोसियस कैसे हो जाएगा, इसमें दो अलग अलग पुष्पक्रम निकलते हैं, क्या क्या, मेल पुष्पक्रम, मेल पुष्पक्रम, और क्या हो जाएगा फीमेल पुष्पक्रम, क्या फीमेल, जब मेल पुष्पक्रम निकलता है क्या कहते हैं, टैसल, बहुत इंपॉर्टेंट, टैसल बोलते हैं। फिर अब देखिए फीमेल में लिखे निकलेगा पुष्पक्रम तो क्या बोलेंगे, सिल्क, क्या सिल्क, दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पर। ठीक, टैसल सिल्क। अब जो निकलने क्रिया होती है हमारा, जो फीमेल में निकलेगा पुष्पक्रम उसको बोलेंगे टैसलिंग, और उसके पुष्पक्रम को बोलेंगे टैसल, सिल्क सिल्किंग। ठीक, निकलने की क्रिया को सिल्किंग बोलते हैं और पुष्पक्रम को टैसल बोलते हैं। अब देखिए जब यहाँ पे एक मोनोसियस कैसे होगा, कैसे होगा मोनोसियस, यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे आपको बता देते हैं, जब मेल पुष्पक्रम पहले निकलता है, ठीक, प्रोटेंड्री बोलते हैं, प्रोटेंड्री, अगर मेल पुष्पक्रम पहले निकलेगा प्रोटेंड्री बोलेंगे, अगर वही फीमेल से निकलेगा तो क्या बोलते हैं हम, गाइनेसिस, गाइनेसिस। ठीक, प्रोटेंड्री, गाइनेसिस। अब देखिए कैसे मोनोसियस से मेल जब पुष्पक्रम निकलता है ये पहले मेच्योर हो जाता है, ये जो बाद में मेच्योर होता है, जब ये पहले मेच्योर होता है बाद में मेच्योर होता है, तो इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, मोनोसिस, और इसी दोनों के कारण हम क्या बोल देते हैं इसको, इसमें क्या होता है, क्रॉस क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्लाइमेट एंड सॉयल, इसके लिए हम सबसे पहले खेत की तैयारी के लिए हम चूज करेंगे। ठीक, तो देखिए क्लाइमेट, क्लाइमेट क्या रख, सबसे पहले इसके ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्मकालीन फसल है, कौन सी फसल है आपकी, ग्रीष्मकालीन फसल है। ठीक, अब इसके टेम्परेचर रखते हैं हम 21 से 25, 21 से इतना हम टेम्परेचर पर रखते हैं इसका तापमान जो होता है ग्रो करने के लिए। अब चलिए हम सॉइल की बात करते हैं, हम बहुत बार ही आपको बता चुके हैं, अगर आपको कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा तो आप बलुई या बलुई डोमेन मिट्टी लिख सकते हैं, लेकिन बहुत केस में लिखते हैं, बहुत जैसे इमरजेंसी केस में लिखते हैं, इसके लिए क्या हो जाएगा आपका, डार्क, डार्क लोम हो जाएगा। ठीक, अब वैरायटी की बात की जाती है, वैरायटी में तीन वैरायटियां होती हैं, कौन कौन से, लोकल एंड सेकेंड हाइब्रिड, हाइब्रिड थर्ड कंपोजिट, कंपोजिट। ठीक, लोकल देसी हो जाएगा, हाइब्रिड संकर हो जाएगा, संकुल, संकुल, संकर, देसी। देसी में क्या आ जाएगा आपका, जौनपुरी सफेद, जौनपुरी पीली, आपके हम दो में दो 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 आपके लेंगे, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो जो जौनपुरी सफेद, एक हो जाएगा आपका जौनपुरी, जौनपुरी पीली। ठीक है, हाइब्रिड में हो जाएगा आपका सशक्तिमान, देता होगा सीरियल पे एक शक्तिमान, ठीक, शक्तिमान, कौन मान, शक्तिमान वन एंड टू,
ठीक है, लेकिन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन? गंगा मैया एक, गंगा वन। गंगा वन एक ऐसी वैरायटी है जो मक्के की सबसे पहली संकर वैरायटी है। ये है आपका स्टार क्वेश्चन, कौन क्वेश्चन है? स्टार। ठीक, इसका जी एच सूर्य जो वैज्ञानिक था, जी एच सूर्य इसको दिए थे, लाए थे हाइब्रिड की, सबसे पहली संकर मक्का लाए थे जी एस। किस सन में लाए थे? 1961 में लाए थे। ये स्टार क्वेश्चन आपके लिए। गंगा, ऐसे तो बहुत कुछ वैरायटी है इंपॉर्टेंट। 101 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, लगा लीजिएगा। कंपोजिशन में संकुल, संकुल संकुल में क्या हो जाएगा? नमीन, नमीन हो जाएगा आपका, श्वेता हो जाएगा, श्वेता, नमीन श्वेता। ठीक है, अब देखिए, हम आपको बाजार में बता चुके हैं कि शंकर किसको कहते हैं, कंपोजिट किसे कहते हैं, संकुल यानी शंकर। ठीक है, इसमें अगले वीडियो में देख लीजिएगा। सीट एंड रेट जो हमारा है, तो देखिए शंकर के लिए हम कितना बीज डालेंगे, पहले संकुल लिख देते हैं। अच्छा, संकुल, संकुल के लिए 18 से 25 की ग्राम प्रति हेक्टेयर। आपका ये, आपका क्या है? स्टार क्वेश्चन है। क्या है? स्टार क्वेश्चन है। ठीक, अब इसमें आप शंकर की पारी आते हैं। शंकर, शंकर के लिए हमारा हो जाएगा 25 से 30, यहाँ पर 20 लगा लीजिएगा, यहाँ पर 25 से 30, ठीक, कि ग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, यहाँ पर ये सब इतना इम्पोर्टेंट जितना कि कैटरीना को सलमान की जरूरत नहीं, उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है हमारा ये वीडियो इम्पोर्टेंट। ठीक, अब चलिए, मैन्योर एंड फर्टिलाइजेशन जो हमारा खाद उर्वरक देंगे खेत में, किस एवरेज में देंगे? तो देखिए, शंकर के लिए हम देंगे, शंकर के लिए 120, 60, 60। अब क्या है आप जानिए, हम बताएंगे क्या है इसको। संकुल, संकुल के लिए 80, 40 एंड 40। ठीक, अब आपका यह क्या है? देसी, देसी में क्या हो जाएगा आपका? 60, 30, 30। क्या है आप गेस कीजिए। देखिए, यहाँ एन है, पी है, के है, ठीक, कि ग्राम प्रति हेक्टेयर। अब आप समझ गए होंगे, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है। ठीक, लेकिन इसके अलावा हम क्या डालते हैं? इसके अलावा हम जिंक सल्फेट डालते हैं। जिंक सल्फेट 25 की ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, क्या 25 की ग्राम प्रति हेक्टेयर? क्यों डालते हैं? क्यों डालते हैं? क्योंकि मक्के में एक बीमारी बीमारी लगती है। कौन सी बीमारी लगती है? व्हाइट रस्ट। आपका यहाँ पर लिख देते हैं व्हाइट रस्ट, जो कि जिंक के कमी के कारण होता है, जिसको सफेद कलिका रोग भी कहते हैं। कौन सा रोग? सफेद कलिका रोग। आपका ए स्टार क्वेश्चन है, लिख लिए। जिंक के कमी के कारण होता है मक्के में, स्टार क्वेश्चन। ठीक, अब बात करते हैं इसकी आगे, टाइम ऑफ सोइंग। तो बुआई हम जानते हैं, टाइम ऑफ सोइंग, हम किस समय उसकी बुआई करेंगे मक्के की? तो देखिए, इसको हम आल सीजन में बोते हैं। किस सीजन में बोलते हैं? आल सीजन में। लेकिन हम 15 जुलाई तक, इसको 15 जुलाई से स्टार्ट कर देते हैं, क्या? मक्के की खेती का बुआई करने के लिए। अब आपका यील्ड हो जाता है उपज, उपज क्या हो जाएगा? देसी के लिए, देसी बोले तो लोकल, लोकल के लिए हमारा 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। कितना? 10 से 15 प्रति हेक्टेयर, अरे क्विंटल प्रति हेक्टेयर। फिर आपका हो जाएगा हाइब्रिड, कौन सा ब्रिड? हाइब्रिड, हाइब्रिड में आपका, अरे हाइब्रिड में हो जाएगा 40 से 45, 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अब क्या आपका बचा? संकुल बचा, संकुल के लिए कंपोजिट, कंपोजिट में क्या हो जाएगा आपका? 30 से 35 लगा लीजिए। ठीक है, अब आपका आ जाता है कि आपका ट्रीटमेंट, यानी कि कोई क्रॉप हम खेत में बोते हैं, उसके सबसे पहले उपचार के, खेत की हम कैसे उपचार करेंगे, बीज के कैसे उपचार करेंगे? तो देखिए, हम क्या करेंगे इसमें, बावास्टीन एंड थायराम। कौन सा नाम? थायराम, बावास्टीन थायराम, 2.5 ग्राम प्रति किलो। 1 किलो बीज डालेंगे हमारा 2.5 ग्राम दवा में। ठीक, 1 किलो बीज, 1 किग्रा सीड, इसको हम 1 किलो बीज में इतना ग्राम बावेस्टिन या फिर थायराम कह के, हमको मिक्सचर कह के, उसको उपचार करके हम खेत में बुआई करते हैं, जिससे हमारा प्रोडक्शन हाईएस्ट जाता है।
तो दोस्तों हमारा ये छोटा सा वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा, तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूले, और हमारा जो चैनल का सब्सक्राइब